यूपी की राजधानी लखनऊ में भारतीय जनता पार्टी की एक बड़ी बैठक प्रदेश कार्यालय पर जारी है। इस बैठक में यूपी बीजेपी चीफ भूपेंद्र चौधरी, विभिन्न प्रकोष्ठ के पदाधिकारी, 17 नगर निगम के प्रभारी और 6 जोनल अध्यक्ष मौजूद हैं। सूत्रों के अनुसार संगठन से सरकार में गए कई पदाधिकारियों के रिक्त पदों पर नियुक्ति बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की नई टीम बनाने और आगामी निकाय व लोकसभा चुनावों पर इस बैठक में मंथन किया जा रहा है। मिली जानकारी के अनुसार बैठक के दौरान मनोनीत कोटे की रिक्त 6 MLC सीटों पर जिन लोगों का नाम पैनल लिस्ट के जरिए शीर्ष नेतृत्व को भेजा गया है उसका फीडबैक भी लिया जाएगा। हालांकि पार्टी की तरफ से इस बैठक को संगठन की सामान्य बैठक बताया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी की संगठनात्मक बैठक थी। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने सभी क्षेत्रीय अध्यक्ष, क्षेत्रीय प्रभारियों को बुला करके संपूर्ण उत्तर प्रदेश जो हमारा 6 क्षेत्रों के रूप में बटा हुआ है उसकी समीक्षा की है। आगे संगठनात्मक कैसे मजबूती होनी चाहिए, संगठन के किन किन पहलुओं में क्या क्या सुधार करने की जरूरत है, कहाँ कहाँ और तेजी लाने की जरूरत है, ऐसे सब चीजों की एक रूटीन समीक्षा बैठक थी और उसके नाते से वो आज बैठे थे। अभी उस बैठक के बाद मोर्चे के पदाधिकारियों के साथ बैठे हैं, मोर्चे की गतिविधियों को और तेज देने के लिए, धार देने के लिए। इस तरह से पूरा दिन आज वो संगठनात्मक समीक्षात्मक तौर पर बैठक कर रहे हैं। भारतीय